Guys, we are back again with a new video. तो कैसे हैं आप लोग कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग आज हम क्या देखने वाले जिसको कंफर्म लीविंग ब्लैकपिंक बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट इस वीडियो की तो ले आए आप लोग की रिक्वेस्ट पे आपके ही बंदे लाइक कमेंट सब्सक्राइब और जिसको लीव कर दिए ब्लैकपिंक को यार ये ऑप्स ऑफ फेक न्यूज हो क्योंकि जिसको बहुत पसंद है हमें और ब्लैकपिंक की चार मेंबर चारों के बगैर ब्लैकपिंक अधूरा है भाई। चलिए वीडियो देखते हैं, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, होप सो फेक न्यूज़ हो हैव वी गो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, लेट्स सी देखते क्या न्यूज़ है। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल सिनेवुड हब, स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। तो केपॉप सेंसेशन बीटीएस और ब्लैकपिंक ऐसे चुनिंदा सेलिब्रिटीज में से एक है जिनका इन्फ्लुएंस आज हमें दुनिया भर में देखने को मिलता है। कोरिया से निकलकर आज दुनिया भर में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और दोनों ही केपॉप बैंड्स अपने अपने फैंस के साथ अपनी हर छोटी से बड़ी बात शेयर करते हैं और इसी बॉन्डिंग की वजह से आज आर्मी और ब्लिंक्स अपने अपने फेवरेट के पॉप आइडल्स को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स की तरह ही प्यार yes, करते हैं। इनकी खुशी में हमें खुशी होती है और इनके गम में हमें गम होता है और इन दोनों ही बैंड में अब बिना किसी एक मेंबर के इन बैंड्स को इमेजिन भी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पर जब भी किसी बीटीएस मेंबर की और ब्लैकपिंक मेंबर की अपने अपने बैंड्स को छोड़ने की खबर आती है मानो फैंस की सांसें ही रुक जाती हैं और कल से भी सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह का माहौल फैंस के बीच देखने को मिल रहा है। जब से प्लेनेट के सबसे बड़े गर्ल के पॉप बैंड ब्लैकपिंक के बिखरने की डिसबैंड होने की खबर आई है क्योंकि ब्लैकपिंक की इन चार सुपरस्टार्स में से कोई एक सुपरस्टार ग्रुप को छोड़कर जा रही है और ब्लिंक्स का अपने फेवरेट बैंड ब्लैकपिंक को बिना इस सुपरस्टार के इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं है और आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा अगर आपको सडनली पता चले कि सबकी चाहिए थी। और ब्लैकपिंक की सबसे एल्डेस्ट मेंबर जीसू अपने ग्रुप ब्लैकपिंक और अपनी कंपनी YG एंटरटेनमेंट को छोड़कर जा रही हैं जिससे ब्लैकपिंक बिखर सकता है और डिसबैंड हो सकता है। तो इससे पहले आप लोग जीसू के ब्लैकपिंक ग्रुप छोड़ने को लेकर मुझे गालियां देना शुरू करो, जिन K-pop एजेंसी और न्यूज वालों ने ये कहानी शुरू की है उनके स्क्रीनशॉट पर नजर डालो। जी हाँ, कल से जीसू के ब्लैकपिंक ग्रुप छोड़ने को लेकर और ब्लैकपिंक की कंपनी YG एंटरटेनमेंट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट यानी खत्म करने को लेकर सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है। तो आप सभी को मालूम होगा कि हर केपॉप आइडल का अपनी अपनी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो किस टाइम तक और किस ईयर तक उनकी कंपनी के अंदर बैंड में एज अ केपॉप मेंबर काम करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अगर वो केपॉप आइडल कंटिन्यू काम करना चाहता है तो इनको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने पड़ते हैं, नहीं तो ये टर्मिनेट कर कंपनी और ग्रुप को छोड़कर अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हैं। और पिछले कुछ टाइम से लगातार ब्लैकपिंक और YG एंटरटेनमेंट के बीच का कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ था कि क्या ब्लैकपिंक YG के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करेंगे या इसे खत्म करेंगी। और कल सडनली बहुत सारी केपॉप एजेंसीज जैसे कि न्यूज SPN की तरफ से ये आर्टिकल पब्लिश होने लगे कि जीसू ने फाइनली अपना कॉन्ट्रैक्ट YG एंटरटेनमेंट के साथ टर्मिनेट कर लिया है, जिसका मतलब है कि हमें वो ब्लैकपिंक में नहीं देखेंगी। और ऐसा इन न्यूज वालों को किसी और ने नहीं बल्कि जीसू के अटॉर्नी ली जे हुक ने स्टेटमेंट में ऑफिशियली कंफर्म कर दिया। जिन लोगों को नहीं पता कि कोरिया में अटॉर्नी क्या होते हैं तो मैं बता दूं, केपॉप आइडल्स के कॉन्ट्रैक्ट और सभी कंपनी लीगलिटीज को संभालने के लिए एडवोकेट्स की तरह अटॉर्नीज होते हैं और जीसू को लेकर ये स्टेटमेंट उनके अटॉर्नी ने दिया है। हालांकि अभी तक की शॉकिंग न्यूज को लेकर उनकी कंपनी YG एंटरटेनमेंट या जीसू की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, इसका मतलब है कि ये खबर फेक है और सिर्फ रूमर्स है क्योंकि इतनी बड़ी खबर होती और केपॉप में इसे लेकर हंगामा नहीं मचता, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जीसू ब्लैकपिंक को छोड़ेंगे या नहीं, उनका कॉन्ट्रैक्ट YG के साथ खत्म होगा या नहीं, इसे लेकर अभी कुछ कंफर्म और क्लियर नहीं है। तो आप सबको परेशान नहीं होना चाहिए, पर आप लोगों को इन सारी खबरों को लेकर क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर मुझे तो लग रहा है फेक रियल भी हो सकती है, आई होप सो रियल ना हो क्योंकि यार जिसको के बगैर ब्लैक पिन इमेजिन कैसे करेंगे यार, जिसको मेन पार्ट है यार ब्लैक पिंक का। और आप भी कमेंट करके बताना आप इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं, और आपको क्या लगता है फेक न्यूज़ होगी या रियल है तो कमेंट करके लाजमी बताएं। यार नहीं होना चाहिए, मुझे अभी बहुत कुछ देखना मतलब कि ब्लैक पिंक और BTS का यार, बस नहीं टूटना चाहिए ग्रुप। तो आप भी कमेंट करके बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।